हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एग्जम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ओके लेट्स वी स्टार्ट विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए अलाउंसेस क्या होता है। देखो अलाउंसेस क्या होते हैं, यानी जो इम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनको इम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाते हैं सैलरी के अलावा किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, उसको बियर करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई इम्प्लॉय है, वो अगर कंपनी में ओवर टाइम काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम करने के लिए ओवर टाइम अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, अभी तीनों टाइप के होते हैं। देखो टैक्सेबल अलाउंस, यानी जो फुली टैक्सेबल है, जिसपे आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती है, तो वो कौन सा होगा, जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, तो ये क्या है आपका, फुली टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है। ओवर टाइम अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है। शिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है। इंट्रीम अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है। प्रोजेक्ट अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है। टिफिन अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है। यूनिफॉर्म अलाउंस है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है। वार्डन अलाउंस है और सर्वेंट अलाउंस, ये क्या है आपका, फुली टैक्सेबल है। यहाँ पर आपको कोई एग्जम्पशन है वो नहीं मिलती है। उसके बाद बात करते हैं जो पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस है, यानी जहाँ पर आपको कुछ हद तक एग्जम्पशन मिलती है। तो जैसे HRA हो गया, अंडर सेक्शन 10 के अंदर जो आता है स्पेशल अलाउंस, जैसे हॉस्टल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, तो यहाँ पर आपको जैसे मान लो 100 रुपीज़ पर मंथ, मतलब कुछ यहाँ पर आपको पार्शियली एग्जम्पशन है वो मिलती है। कन्वीनियंस अलाउंस है, अगर मान लो 19,200 से अबोव हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी पार्शियली टैक्सेबल में आता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, डिडक्शन 1/5 ऑफ द सैलरी और 5,000, जो दोनों में से कम हो उसकी आपको एग्जम्पशन है वो मिलती है। और जो बात आती है जो फुली जो टैक्स फ्री अलाउंस है, तो जैसे HRA अप टू 40% ऑफ सैलरी, और अगर 50% किस केस में, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई जो यानी मेट्रो सिटी वगैरह आ गई, तो उस केस में वो 50% हो जाएगा। और कन्वीनियंस अलाउंस 1600 पर मंथ और 19,200, अगर मान लो इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कन्वीनियंस अलाउंस अप टू मतलब 19,200 तक आपका फुली टैक्स फ्री है, और इससे ज़्यादा होता है तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा। पेमेंट टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की ओर से जो अब्रॉड के अंदर जो आपके काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो वो भी क्या है आपका, वो भी आपका क्या है, फुली टैक्स फ्री है। ठीक है, कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, पे टू जज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, तो ये भी क्या है आपका, टैक्स फ्री है। उसके बाद बात करते हैं टैक्सेबल इनकम क्या होती है। टैक्सेबल अलाउंसेज आर अलाउंसेज डेट आर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ सैलरी, यानी जो सैलरी का ही पार्ट माना जाता है, एंड आर नॉट आइदर फुली और पार्शियली एग्जम्प्टेड। ठीक है, वो फुली और पार्शियली है, वो एग्जम्प्टेड नहीं होते, यानी फुली टैक्सेबल है, उसके ऊपर आपको टैक्स है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस इज द अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू एम्प्लॉयज टू मेक पेमेंट टू आर हॉस्पिटैलिटी ऑफ देयर कस्टमर फॉर ड्रिंक्स, मील्स, बिजनेस आउटिंग्स, क्लाइंट्स मीटिंग है, होटल है, मतलब इसके लिए जो कस्टमर को दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है, तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस इज द अमाउंट ऑफ मनी जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं टू मेक पेमेंट टू आर, जैसे जो कस्टमर है, कस्टमर की हॉस्पिटैलिटी, मतलब उनके जो आदर सत्कार के लिए, उनको खाना वाना खिलाने के लिए, मीटिंग वगैरह के लिए जो दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस है। तो दिस अलाउंस इज कम्प्लीटली टैक्सेबल फॉर ऑल प्राइवेट सेक्टर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो सभी जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है उनके लिए टैक्सेबल है, यहाँ पर उनको कोई टैक्स की एग्जम्पशन नहीं मिलती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स एग्जम्पशन कैसे मिलती है, एंड द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन इज लिमिटेड टू द लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, या तो 20% ऑफ ग्रोस सैलरी एक्सक्लूडिंग ऑल अदर अलाउंस पार्क एंड बेनिफिट, और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस और 5,000, जो तीनों में से कम होगा वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। 20% ऑफ ग्रोस सैलरी या 5,000 है, या जो आपको एक्चुअल में एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो तीनों में से जो कम होगा उसके आपको एग्जम्पशन है वो मिल जाएगी। इसके बाद ओवर टाइम अलाउंस है, तो ये फुली टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ओवर टाइम अलाउंस इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज हु टेंड टू वर्क मोर देन ऑपरेशनल आवर, यानी जो काम के ज़्यादा काम करते हैं उनको हम ओवर टाइम अलाउंस दिए जाते हैं, तो ये भी क्या है आपका, कम्प्लीटली टैक्सेबल है। डियरनेस अलाउंस है, इज द फॉलोइंग टू पे टू पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड पेंशनर एज ए कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड, मतलब जो क्या होता है महंगाई भत्ता, हिंदी में बोले तो डियरनेस अलाउंस यही होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, ये फुली टैक्सेबल होता है।
मील अलाउंस है, यानी मील अलाउंस आर पेड फॉर मील, रिफ्रेशमेंट, टिफिन सर्विस है देयर एम्प्लॉयज एंड कम्प्लीटली टैक्सेबल. तो ये भी क्या होता है आपका, फुली टैक्सेबल होता है. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इज ऑफर्ड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज compensate for a relatively high cost of living in metropolitan cities. This allowances is used to incentive and retain employee in town and city where the cost of living is higher compared to employees working in other location. मतलब कुछ मेट्रो सिटी वगैरह होता है जहाँ पर क्या होता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा महंगाई वगैरह होती है, यानी cost of living ज़्यादा होती है, तो उस केस में सिटी compensatory allowance दिया जाता है ताकि employees को वहाँ पर बनाए रखे जा सके. ठीक है, तो इसके उसको हम क्या बोलते हैं, सिटी compensatory allowance. तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका फुली टैक्सेबल होता है. उसके बाद बात करते हैं इंटरिम अलाउंस की. इंटरिम अलाउंस इज ए अलाउंस प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर इंस्टेड ऑफ फॉर फाइनल अलाउंस है. इंटरिम अलाउंस है वो भी आपका क्या है, फुली टैक्सेबल है. कैश अलाउंस है, कैश अलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर लाइक मैरिज अलाउंस हो गया, हॉलीडे अलाउंस हो गया, अदर सिमिलर अलाउंस है प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज फुली टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉयर. तो ये भी है फुली टैक्सेबल है एम्प्लॉयर के हैंड में. सर्वेंट अलाउंस है, ये भी आपको मतलब सर्वेंट वगैरह रखते हो तो उसके लिए जो दिया जाता है, तो ये भी हमेशा टैक्सेबल होगा. प्रोजेक्ट अलाउंस है, इफ एन एम्प्लॉयर्स provided allowance to employer to liquidate two project expenses that is called project allowances. ठीक है, तो जो project वगैरह के लिए दिया जाता है ये भी आपका क्या है, fully taxable है. warden allowance है, यानी if an employee pay tax to an employee who is working as an warden keeper in any institute. ठीक है, तो जो warden वगैरह की काम कर रहे हैं तो ये भी आपका क्या है, fully taxable है. non practicing allowances क्या है, when a doctor get associated with clinic of various laboratory or medical institute, any non practicing allowances paid to them टैक्सेबल. तो ये भी आपका क्या है, फुली टैक्सेबल है. अब बात आती है नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी जो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस. ठीक है, तो कौन से अलाउंसेस है जो क्या है, टैक्स फ्री है. तो अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब्रॉड, ये मैंने बता दिया, यानी जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय अब्रॉड में काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं. तो व्हेन इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट आर पेड वाइल सर्विंग देयर एम्प्लॉयमेंट टेन्योर इन अदर कंट्री, दिस अलाउंसेस इज कंसिडर्ड एज नॉन टैक्सेबल. तो उनके ऊपर कोई टैक्स है वो नहीं लगता है. अलाउंसेस पेड टू यूएनओ एम्प्लॉय, यानी जो यूएनओ एम्प्लॉयज हैं उनको जो अलाउंसेस मिल रहा है वो भी क्या होगा, वो भी नॉन टैक्सेबल होगा, टैक्स फ्री होगा. अलाउंसेस पेड जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, फुली एग्जम्प्ट होते हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स है वो नहीं लगता है. कंपनसेटरी अलाउंसेस क्या होते हैं, व्हेन जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिसीव एनी कंपनसेटरी अलाउंस, अगर मान लो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलता है तो वो भी क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, उनके ऊपर कोई टैक्स है वो नहीं लगता है. उसके बाद हम बात करते हैं पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस इन इंडिया, यानी जो कुछ टैक्सेबल होता है, कुछ उसका पोर्शन और कुछ टैक्स फ्री होता है. ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं. तो पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस आर दूज अलाउंसेस विच कैन बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सिंग सर्टेन लिमिट. एक सर्टेन लिमिट तक तो वो क्या है, एग्जम्प्टेड है टैक्स से एज पर द स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन. सम ऑफ द पार्शियली अलाउंसेस आर मेंशन बिलो, कौन से हैं देखो. कन्वीनियंस अलाउंस एग्जम्पशन लिमिट है. तो दिस टाइप ऑफ अलाउंसेस इज पेड टू एम्प्लॉयज फॉर कम्यूटिंग टू देयर वर्क प्लेस फ्रॉम होम एवरी डे. ठीक है, इफ एन कन्वीनियंस अलाउंस इज लेस देन 1600 पर मंथ देन इट विल बी कंसिडर एज नॉन टैक्सेबल. अगर जो कन्वीनियंस अलाउंस है वो 1600 से कम है तो उसको हम नॉन टैक्सेबल कहेंगे. ठीक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 1600 तक तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन इससे ज्यादा अगर दिया जा रहा है तो वो फिर क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर. ठीक है, जो अलाउंसेज है, जो एम्प्लॉयज है फॉर कम्यूटिंग टू वर्क प्लेस फ्रॉम होम, घर से भी डेली काम करते हैं तो उनके लिए जो दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका, 1600 तक तो आपका टैक्स फ्री होगा और उससे ज्यादा अगर दिया जा रहा है तो वो टैक्सेबल होगा. हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं, तो हाउस रेंट अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज बाय द कंपनी टू हेल्प देम कोपिंग विद देयर एकोमोडेशन एक्सपेंसेस. इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट लिव इन ए रेंटल स्पेस द अलाउंसेस इज फुली टैक्सेबल. यानी अगर जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इज नॉट रेंटल स्पेस पे नहीं रह रहा है, मतलब किराए विराए पर नहीं रह रहा, तो फुली टैक्सेबल होगा. एम्प्लॉयज कैन क्लेम डिडक्शन ऑन हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013A. तो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी एम्प्लॉय अगर हाउस रेंट अलाउंसेस के अंदर एग्जम्पशन लेना चाहता है तो सेक्शन 1013A के अंदर वो ले सकते हैं. हाउस रेंट अलाउंस इज रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है,
अगर देखो अब इसके एग्जम्पशन देखते हैं, अगर इम्प्लॉय है वो दिल्ली मुंबई कोलकाता अगर इस यहाँ पर रह रहा है बैंगलोर में, तो एक्चुअल रेंट पेड शुड बी मच एज 50% ऑफ सैलरी 40, और अगर वो नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है मतलब इनके अलावा अगर और सिटी में रह रहा है तो 40% ऑफ सैलरी, एक्सेस रेंट पेड एनुअली 10% ऑफ एनुअली सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस की, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी, और मेट्रो सिटी के केस में क्या है 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। उसके बाद आता है मेडिकल अलाउंसेज एग्जम्पशन है, तो दिस इज अलाउंसेज पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हेन द एम्प्लॉयज और एनी फैमिली मेंबर्स ऑल सिक एंड रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउएवर इफ द मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सीड ए सर्टेन अमाउंट 15,000, देखो अगर मेडिकल एक्सपेंसेस 15,000 से अबव हो जाते हैं तो फिर उस केस में वो टैक्सेबल होंगे। अच्छा देखो जो हाउस रेंट अलाउंस है ना उसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं एचआरए के ऊपर, कई बार क्वेश्चन है कि कितना टैक्सेबल होगा, तो फिर वो मैं एक अलग से आपको एक वीडियो बनाकर उसमें क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से समझा दूंगी, इससे आपका इजिली कवर अप हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल अलाउंसेज है, तो स्पेशल अलाउंसेज इज पेड टू द एम्प्लॉयज फॉर दिस परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के जो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह के लिए दिए जाते हैं। दिस अलाउंस डज नॉट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ प्रिक्विजिस्ट इज एंड इट इज पार्शियली टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिम्बर्समेंट एंड अलाउंसेस, क्या दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अलाउंसेस आर बेसिकली ए पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सैलरी पैकेज टू कवर द एक्सपेंसेस दैट मे अक्योर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर इंस्टेंस ए पर्सन, देखो अगर हम बात करें तो ये सैलरी का एक तरह से पार्ट होते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ ए पर्सन यूजेज हिज ओन व्हीकल, मान लो अपना खुद का व्हीकल यूज कर रहा है टू कम्यूट फ्रॉम होम टू वर्क प्लेस, देन द कंपनी विल प्रोवाइड ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो उसके लिए कंपनी, देखो एक तो कंपनी अपने खुद के ट्रांसपोर्ट है वो लगाती है, अगर मान लो इम्प्लॉय है वो उन ट्रांसपोर्ट का यूज करके नहीं आ रहा अपने ट्रांसपोर्ट से आ रहा है तो कंपनी उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देती है। सिमिलरली देर आर मैनी अदर अलाउंसेज है एंडोव्ड बाय द एम्प्लॉयर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अलाउंसेज आर कैटेगराइज अंडर थ्री पार्ट, तो तीन पार्ट के अंदर अलाउंसेज है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेज में, ठीक है। अब रीइंबर्समेंट क्या होती है, रीइंबर्समेंट क्या होती है, ए रीइंबर्समेंट इज एक्सपेंसिस विच इज मेड फॉर एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉयर बिहाफ है, ठीक है, यानी वो एक्सपेंसिस जो एम्प्लॉय कर रहा है एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है, यानी जो कर्मचारी करता है अपने उसके लिए एम्प्लॉयर के बिहाफ पर जो कर्मचारी है वो बियर कर रहे हैं। तो रीइंबर्समेंट आर ऑलवेज रिलेटेड बिजनेस एक्सपेंसेस, अब देखो ये बिजनेस एक्सपेंसेस हैं एंड डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द एम्प्लॉय इनकम, तो आप इसको एम्प्लॉय की इनकम में ऐड नहीं करोगे। दस दिन रीइंबर्समेंट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, तो ये क्या होता है टैक्सेबल नहीं हो सकते, ये क्या होता है टैक्स फ्री होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इसके अंदर जो बजट 2020 है उसके अंदर जो चेंज हुए है वो और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, इससे आप मतलब करंट नॉलेज भी आपकी मतलब हो पाएगी, ठीक है, तो करंट नॉलेज भी आपकी कवर अप हो जाएगी। देखो बजट 2020 में के अंदर क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ, मेन हाईलाइट है वो बता देती हूँ कि मेन हाईलाइटेड फ्रॉम द बजट प्रेजेंटेड बाय द जो ऑनरेबल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2020 को, ठीक है। तो जो बजट था वो किसने पेश किया था, जो हमारे आदरणीय जो फाइनेंस जो मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2020 को दिया था, ठीक है। ऑप्शन अब यहाँ पर देखो टैक्स पेयर को ऑप्शन दिया गया है कि वो या तो ओल्ड टैक्स रेट के बेस पे टैक्स पे करें एंड स्लैब एंड न्यू वन, या जो न्यू के अंदर जो स्लैब रेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है, या तो जो पुराना चल रहा था उसके अकॉर्डिंग भी टैक्स पे कर सकता है, या जो अब जो नई स्लैब रेट बनाई है उसके अकॉर्डिंग भी टैक्स पे कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन दिया है कि ओल्ड इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करे या नई स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो मेन हाईलाइट ही हो गया, न्यू टैक्स स्लैब ऑफर जो रिडक्शन इन एप्लीकेबल टैक्स रेट फ्रॉम 20% टू 10%, ठीक है, जो 20 वाली थी उसको 10% कर दिया गया है एंड 30% वाली को 20% कर दिया गया है कुछ एक केसेस के अंदर। इन केस द टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर द न्यू स्लैब रेट, अगर वो न्यू स्लैब रेट को अडॉप्ट करता है तो नो एग्जम्पशन। देखो अगर आप पुरानी स्लैब रेट को अडॉप्ट करते हो तो उस केस में आपको डिडक्शन वगैरह मिलेगी, लेकिन अगर आप नई स्लैब रेट को
आप मतलब यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। यानी जो आपको ATC/AT के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलती थी ना, वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये चेंजमेंट हुआ है, ठीक है। तो इन केस द टैक्स पेयर ऑप्शन फॉर न्यू स्लैब डेट, नो एग्जम्पशन और डिडक्शन कैन क्लेम्ड सच एज डूज और अकाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट, LIC प्रीमियम, स्कूल फीस, मेडिक्लेम, तो ये सारी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आप न्यू स्लैब डेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हो तो। ओके, आप पे डिपेंड करता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसको हटा दिया गया है, हैज बीन विड्रॉन, एंड डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हेड ऑफ रिसिपिएंट। मतलब अब पहले क्या था, इम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल होता था, इम्प्लॉयज के हाथ में नहीं था। अब इम्प्लॉय के हाथ में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो टैक्सेबल है, ठीक है, तो उसको विड्रॉन कर लिया गया है। द इंश्योरेंस कवरेज ऑफ डिपॉजिट इन बैंक हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख। यानी जो इंश्योरेंस कवरेज था उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। होम लोन इंटरेस्ट एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 1.50 लाख फ्रॉम होम लोन एंड सेंशन एंड बिफोर 31 मार्च 2020 हैव बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर टू 31 मार्च 2021। तो इसको यानी जो होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट एग्जम्पशन लिमिट थी वो 1.5 लाख थी होम लोन के लिए, और 31 मार्च 2020 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब वो एक मतलब 31 मार्च 2021 तक उसकी होम लोन है, उसकी एग्जम्पशन लिमिट को एक्सटेंड है वो कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थे, देखो इसमें मैंने आपको सारे जो भी एग्जम्प्टेड अलाउंसेज है, कौन से टैक्सेबल है, कौन से पार्शियली टैक्सेबल है और कौन से टैक्स फ्री है, और जो बजट 2020 के अंदर क्या क्या हाईलाइट है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको टाइमली ऐसी ही जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।